सूरत क्राइम ब्रांच पुलिस को आज एक संगीन अपराध की गुत्थी सुलझाने में बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने पाकिस्तानी ISI के एजेंट के साथ साझेदारी करने वाले सूरत के एक युवक को हिरासत में लिया है। दीपक सालुंकी नाम का युवक पाकिस्तानी एजेंसी को भारतीय आर्मी की गुप्त सूचनाएं देता था। पकड़े गए अपराधी युवक के बैंक अकाउंट में से पाकिस्तान से ट्रांसफ़र किए हुए पैसों का रिकॉर्ड भी पुलिस को मिला। पुलिस द्वारा दीपक सालुंकी की पूछताछ के दौरान पता चला कि उसने अपने फेसबुक ID मैसेंजर और व्हाट्सएप के माध्यम से पाकिस्तान की खुफिया जासूसी एजेंसी के ISI के एजेंट हमीद नामक युवक में के संपर्क में था और उसने भारतीय सिम कार्ड्स को अपने भारतीय आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंट आर्टिलरी और ब्रिगेड की जानकारी अपराधी उसे देता था। भारतीय सेना के वाहनों की मोमेंट की खुफिया और संवेदनशील जानकारी हासिल करके व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम और कॉलिंग से उसे शेयर करता था और ऐसी जानकारी देने के बदले में हमीद की ओर से अलग अलग व्यक्तियों के बैंक अकाउंट के माध्यम से नगद कैश रुपए और फाइनेंस के माध्यम से USD का ट्रांजेक्शन करके अभी तक में कुल मिलाकर 75,856 रुपये उसके पास अकाउंट में पाए गए। सूरत शहर क्राइम ब्रांच को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सूरत शहर के डिंडोली विस्तार के निवासी और 32 वर्षीय दीपक सालुंके पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी और ISI एजेंट के संपर्क में था, जो कि भारतीय सेना की गुप्त सूचनाएं एवं भारतीय बनावट के सिम कार्ड पाकिस्तानी जासूसी एजेंसियों को सप्लाई करता था। ऐसी गुप्त सूचना पुलिस को मिलने पर और खुफिया जानकारी के मद्देनज़र सूरत शहर क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा जांच अभियान चलाया गया और दीपक सालुंकी के घर पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया गया। बाद में पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अपराधी की पूछताछ में पता चला कि उसके पास से पाकिस्तानी हमीद नामक व्यक्ति के साथ दीपक सालुंकी की फेसबुक अकाउंट पर हमीद के साथ चैटिंग और दीपक के अकाउंट में पाकिस्तान से ट्रांसफ़र किए हुए 75,000 से ज़्यादा पैसों का रिकॉर्ड पुलिस को बरामद होने से सूरत क्राइम ब्रांच पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया और सलाखों के पीछे पहुंचाकर आगे की जांच सूरत क्राइम ब्रांच पुलिस ने शुरू की है। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़, सूरत।